दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कई सारे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के ऊपर वीडियो दे चुका हूँ, अलग-अलग मेडिसन्स के। इसी सीरीज़ में आज मैं जो आपको वीडियो देने जा रहा हूँ वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ चेलिडोनियम। जैसा कि आप सभी जो होम्योपैथी से रिलेटेड स्टूडेंट और डॉक्टर्स हैं वो चेलिडोनियम मेडिसिन से ज़रूर परिचित होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मेमोराइज कराने के लिए आज इस पर भी एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का वीडियो आपको दूं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करता हूं चेलिडोनियम मेजर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले चेलिडोनियम के कुछ कैरेक्टर्स को समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको चेलिडोनियम के प्लांट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम इन दोनों मेडिसिन के कैरेक्टर और चेलिडोनियम के प्लांट के कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, जिसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहते हो। इसके बाद मैं आपको चेलिडोनियम का कंपैरिजन लाइकोपोडियम से करवाऊंगा। दोस्तों, लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो चेलिडोनियम के साथ काफी मिलती जुलती है, इसलिए इनका डिफरेंस कराना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बताने इनके बहुत जरूरी हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आपको आंसर देना है। तो आइए दोस्तों, हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ चेलिडोनियम। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चेलिडोनियम होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है लिवर के लिए। दोस्तों, आप सभी डॉक्टर्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लिवर हमारी बॉडी में एक ऐसा एब्डोमिनल ऑर्गन है जो कई सारे फंक्शन हमारी बॉडी में करता है, जो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हम ह्यूमन बॉडी की सर्वाइवल के लिए। चेलिडोनियम चूंकि एक इंपॉर्टेंट लिवर रेमेडी है, और इसकी खास बात क्या है कि ये लंग्स पर भी बहुत अच्छा एक्शन करती है, स्किन पर भी बहुत अच्छा एक्शन करती है, हमारे जीआईटी पर भी बहुत अच्छा एक्शन करती है, हमारे माइंड को भी अफेक्ट करती है। लेकिन इसका प्रिस्क्रिप्शन तभी करा जाता है जब कहीं ना कहीं लिवर इन्वॉल्व होता है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखिए आप। जैसे अगर आप चेलिडोनियम का हेडेक पढ़ें, अगर आप चेलिडोनियम के का निमोनिया पढ़ें, अगर आप चेलिडोनियम का गैस्ट्राइटिस देखें, अगर आप चेलिडोनियम का कोई भी जीआईटी सिम्टम देखें, या आप चेलिडोनियम का कोई भी स्किन प्रॉब्लम देखें, पर चेलिडोनियम प्रिस्क्राइब हम तभी करेंगे जब स्किन, लंग्स कंप्लेंट, हेडेक, इन सभी के साथ कहीं ना कहीं लिवर इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये शोल्डर पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, राइट शोल्डर पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन कब? जब उसका एसोसिएशन कहीं ना कहीं लिवर से होना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सीखे इस मेरे इस बात से, आप क्या सीखे कि चेलिडोनियम हम तब तक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे जब तक पेशेंट में कहीं ना कहीं कोई लिवर डिसऑर्डर ना हो। मतलब चेलिडोनियम के प्रिस्क्रिप्शन के लिए लिवर का इन्वॉल्व होना जरूरी है, इसलिए इसको एक ऑर्गेनोपैथिक मेडिसिन कहा जाता है लिवर के लिए, या मैं कहूं एक फिजियोलॉजिकल ड्रग कही जाती है लिवर के लिए। जैसे कि अगर कोई भी लिवर का डिसऑर्डर होगा तो आप देखिए होम्योपैथ्स इसको कॉमनली यूज करना चालू कर देते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लिवर के जितने भी पेटेंट्स होम्योपैथी में आते हैं सब में चेलिडोनियम होता है, पर चेलिडोनियम के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं, उनको भी जानना जरूरी है। तो मैं एक एक करके आपको
उसके फीचर्स की बात करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि चेलिडोनियम एक राइट साइडेड रेमेडी है। ये राइट साइडेड हेडेक में काम आती है, ये राइट साइडेड निमोनिया में काम आती है। लिवर भी चूंकि राइट साइड में होता है तो ये राइट साइड लिवर को मतलब लिवर को अफेक्ट कर रही है, मतलब बॉडी के राइट साइड को अफेक्ट कर रही है। अगर हम शोल्डर पेन में भी इसको देंगे तो भी ये राइट साइड में ही इंडिकेटेड है। तो एक तो प्रोमिनेंटली ये राइट साइडेड रेमेडी है, दूसरा ये हमारे पोर्टल सर्कुलेशन को बहुत प्रोमिनेंटली अफेक्ट करती है। अब पोर्टल सर्कुलेशन को प्रोमिनेंटली अफेक्ट करने का कारण सीधा सीधा सा है, चूंकि पोर्टल वेन लिवर से रिलेटेड होती है, लिवर से कनेक्टेड होती है, तो पोर्टल वेन के कंजेशन से रिलेटेड जितने भी पैथोलॉजीज हैं, जैसे एसाइटिस या स्प्लीन का कंजस्टेड हो जाना, स्प्लेनोमेगाली हो जाना, पाइल्स हो जाना, माल न्यूट्रिशन हो जाना, ईसोफिजियल वेराइसिस हो जाना, खून की उल्टियां होना, गैस्ट्राइटिस हो जाना, ये सभी कहीं ना कहीं पोर्टल हाइपरटेंशन में पाए जाते हैं। इसलिए इन सभी केसेस में चेलिडोनियम एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया, लिवर के सभी प्रकार के डिसऑर्डर में चेलिडोनियम काम आती है, जैसे जॉइंटिस में, या मैं कहूं गॉल स्टोन में, सभी लोग जानते हैं गॉल स्टोन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये, पर पर्टिकुलरली ये किस जॉइंटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। जॉइंटिस भी दोस्तों तीन तरह की होती है, एक हीमोलाइटिक जॉइंटिस, एक हेपेटिक जॉइंटिस और एक पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। चेलिडोनियम पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस के लिए सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस के लिए सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है। इसके अलावा इसका यूज हम हेपेटिक जॉइंटिस में भी कर सकते हैं, हीमोलाइटिक जॉइंटिस में इसका रोल कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये स्किन कंप्लेंट्स में भी काम आती है, और स्किन के उन कंप्लेंट्स में ये काम आती है जिसमें वेसिकुलर इरेप्शंस होते हैं। वेसिकुलर इरेप्शंस का मतलब होता है दोस्तों स्किन के ऐसे दाने जिनमें पानी भरा हुआ हो। तो दोस्तों ये हैं चेलिडोनियम के कुछ कैरेक्टर्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं। जैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इसमें अगर फीचर्स बताऊं, इसको गर्म, इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं चेलिडोनियम की जीआईटी से रिलेटेड, जैसे पेट का दर्द है तो इसको गर्म खाने से रिलीफ आएगा, हॉट फूड से। अब चूंकि इन फीचर्स को देखते हुए ये लाइकोपोडियम से काफी मिलती जुलती है, जैसे दोनों ही राइट साइडेड रेमेडी हैं, दोनों को ही हॉट फूड से एम्ल्यूरेशन होता है, हॉट फूड पसंद होता है, दोनों ही स्किन कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, दोनों ही लंग कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम को कई बार डिफर करना मुश्किल हो जाता है, या दोनों में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाती है। लाइकोपोडियम पर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूं, तो फिर हम कैसे इनको अलग करें। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर एक फीचर बताऊंगा जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि लाइकोपोडियम से चेलिडोनियम को कैसे डिफर करें। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर को समझ लें, उसके बाद फिर मैं लाइकोपोडियम से इसको डिफर करूंगा। तो दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में क्या जाना कि चेलिडोनियम के फीचर्स क्या हैं, और ये चेलिडोनियम जो रेमेडी है वो लाइकोपोडियम से बहुत मिलती है। हमने अभी तक वीडियो में यह कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं चेलिडोनियम के प्लांट की। तो दोस्तों चेलिडोनियम का जो प्लांट होता है उसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। एक तो चेलिडोनियम के प्लांट का जो फ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है। दूसरा फीचर, चेलिडोनियम के जो लीव्स होती हैं वो समवॉट हेक्सागोनल होती हैं। अब आप नोट करते जाना, फिर मैं आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताऊंगा। एक तो चेलिडोनियम का जो फ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है, चेलिडोनियम की लीव्स होती हैं वो हेक्सागोनल होती हैं, चेलिडोनियम की स्टेम को अगर आप तोड़कर उसको क्रश करेंगे तो उससे एक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है जो बहुत एक्रिड होता है। अगर वो स्किन पर लग जाए तो स्किन पर पानी भरे दाने प्रोड्यूस कर देता है अपनी एक्रिडिटी के कारण। अगर इस फ्लूइड को
हम माइक्रोस्कोप में चेक करें तो इसके फीचर्स, या मैं कहूं माइक्रोस्कोप में जब चेक करते हैं तो ये बाइल जैसा नजर आता है। मतलब जो लिवर से एक जूस निकलता है जिसको आप बाइल जूस कहते हो, अगर उस बाइल जूस को हम माइक्रोस्कोप में देखें और अगर हम चेलिडोनियम के प्लांट से निकलने वाले जूस को माइक्रोस्कोप में देखें तो उन दोनों के माइक्रोस्कोपिक फीचर मिलते हैं। इसका मतलब चेलिडोनियम से निकलने वाला जूस बाइल जैसा होता है। तो ये है प्लांट के करेक्टर्स। अब मैं आपको चेलिडोनियम के प्लांट्स और चेलिडोनियम मेडिसिन के करेक्टर्स को मिलाकर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेलिडोनियम का फ्लावर येलो कलर का होता है, इसलिए चेलिडोनियम जॉइंडिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हिपेटिक जॉइंडिस और पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस के लिए ये ज्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है रेदर देन हीमोलाइटिक जॉइंडिस के लिए। हीमोलाइटिक जॉइंडिस के लिए हमारे यहाँ और भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, फॉस्फोरस है, चाइना है, जो हीमोलाइटिक जॉइंडिस के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर हो गया इसके येलो कलर के फ्लावर से, ये जॉइंडिस के लिए अच्छी रेमेडी है। चूंकि इसके लीप्स हेक्सागोनल शेप के होते हैं और जो लिवर की जो हेपेटोसाइट्स होती हैं, लिवर की जो सेल्स होती हैं वो भी हेक्सागोनल होती हैं, इसलिए प्रोमिनेंटली ये लिवर के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग माना जाता है। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर हो गया। अब तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप इसके स्टेम को क्रश करेंगे और इसका जो जूस निकलेगा वो जूस के माइक्रोस्कोपिक फीचर बाइल के माइक्रोस्कोपिक फीचर से मिलते हैं, इसलिए बाइल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होंगे, चाहे वो बिलियस वॉमिटिंग हो, चाहे बाइल से की डेफिशिएंसी में होने वाला कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस हो, कुछ भी बाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, या हमारा बाइल जब हेल्दी नहीं होगा और हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाएगा, उन सभी प्रॉब्लम्स में चेलिडोनियम एक अच्छी रेमेडी मानी जाती है। ठीक है, चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो जूस होता है वो अगर स्किन पर लग जाए तो वो पानी भरे दाने प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए चेलिडोनियम वेसिकुलर इरेप्शंस में बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, जैसे कि हर्पीस जोस्टर। लेकिन इन सभी में हम कब देंगे, जब कहीं ना कहीं लिवर इन्वॉल्व होना चाहिए और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर मिलना चाहिए। जैसे दो करेक्टरिस्टिक फीचर, एक फिजिकल करेक्टर बताऊंगा मैं, एक तो राइट साइडेडनेस होना, दूसरा इसको हॉट फूड की डिजायर होकर हॉट फूड से रिलीफ होना। ठीक है, तीसरा इसका करेक्टर क्या है कि ये बहुत ही डिक्टेटोरियल पेशेंट होता है, डिक्टेट करता है, ये हमेशा डोमिनेट करने वाला पेशेंट होता है, और यही नेचर चेलिडोनियम का ऐसा है जो लाइकोपोडियम से अलग है। दोस्तों जैसा कि मैं लाइकोपोडियम में आपको पहले भी बता चुका हूं, लाइकोपोडियम का पेशेंट डरपोक होता है, वो सिर्फ डोमिनेट उन लोगों को करता है जो उससे उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उससे या तो उम्र में छोटे होते हैं, जो उससे उसकी बॉडी में छोटे होते हैं, पोस्ट में छोटे होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, मतलब वो जिन लोगों को दबा सकता है उन लोगों को तो वो दबाता है लाइकोपोडियम। और अगर उसके सामने बॉस आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई पहलवान आ जाए, तो वो डर जाएगा, फिर वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो लाइकोपोडियम डोमिनेट कहां करता है, जब उससे इंफीरियर कोई पर्सन आता है तो, और जब उससे सुपीरियर कोई पर्सन आता है तो डोमिनेट हो जाता है, डरपोक हो जाता है। ठीक है, लेकिन चेलिडोनियम की जो डोमिनेंसी होती है वो इंफीरियर लोगों के लिए भी होती है और सुपीरियर लोगों के लिए भी होती है। ये मेन डिफरेंस है चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम में। तो दोस्तों जब भी आप क्लिनिक पर किसी पेशेंट को देखते हैं और आपको सिम्टम्स के आधार पर लाइकोपोडियम दें या चेलिडोनियम दें ये डिसाइड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है,
तो आप ये देखिए कि आपका जो पेशेंट है क्या वो डोमिनेटिंग नेचर का है, और क्या ये डोमिनेंसी उसकी सब लोगों के लिए है या सिर्फ वो परिवार को, लोगों को तो दबाता है लेकिन बाहर अपने बॉस के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। आप समझ गए मेरी बात? अगर वो बाहर के लोगों से दबता है और घर पर अपना मतलब डोमिनेंसी रखता है तो हम उसको लाइकोपोडियम देंगे, और अगर घर और बाहर दोनों में वो डोमिनेंसी रखता है तो हम उसको चेलिडोनियम देंगे। तो ये डिफरेंस हो गया लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम का। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में क्या बताया, चेलिडोनियम के करेक्टर्स बताए, चेलिडोनियम के प्लांट के करेक्टर्स बताए, चेलिडोनियम और लाइकोपोडियम सिमिलर होती है और उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये बताया। अब इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, एक क्वेश्चन करना है मुझे, और वो क्वेश्चन है कि चेलिडोनियम किस प्रकार की ज्वाइंटिस के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसा कि आप सब जानते हैं ज्वाइंटिस में चेलिडोनियम बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है, पर मेरा आज का जो ये सवाल है वो ये है कि ज्वाइंटिस किस प्रकार की ज्वाइंटिस में चेलिडोनियम अच्छी रेमेडी है, और गॉल स्टोन के लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है, पर जैसे आप सभी जानते हैं गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में भी होता है, गॉल स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में भी होता है। तो मुझे आपको यह बताना है चेलिडोनियम पढ़कर कि किस लोकेशन पर पर्टिकुलरली चेलिडोनियम इंडिकेट होता है, कौन सा लोकेशन है गॉल स्टोन का जिस लोकेशन पर चेलिडोनियम बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है, क्या जब गॉल ब्लैडर में हो तब या सीबीडी में हो तब। तो दोस्तों आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी चैनल को रिकमेंड कीजिए, मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। थैंक यू, गुड बाय।